और ये पिक्चर है डेली फंडूज की। दिस वन इज ऑल्सो नॉन वेज बिरयानी आई थिंक सो। इतना खाके इवनिंग स्नैक्स कर सकते हैं आप? एक्साइटेड फॉर टॉय। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो टूडे आई एम टेकिंग वन मोर चैलेंज, और आपको चैलेंज पता ही चल गया होगा मेरे डिस्क्रिप्शन और थंबनेल को देख के। ये हमारा डिसाइड करेगा गूगल, हमारा ब्रेकफास्ट, हमारा लंच, हमारा इवनिंग स्नैक्स, हमारा डिनर, हमारे चारों मील्स करेगा डिसाइड गूगल। यस, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? मैंने कुछ रेस्टोरेंट्स के नाम इन चिट्स पे लिख दिए हैं जो कि मैं शफल करके पिक करूंगी। उसके बाद उस रेस्टोरेंट की इमेजेस हम गूगल पे सर्च करेंगे और हम यूएनओ से एक कार्ड पिक करेंगे जिससे हम कोई भी एक नंबर मिलेगा और जो भी उस नंबर पे पिक्चर होगी हम उसी को ऑर्डर करेंगे। यस, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑप्शन इज हमारा है चायोस। आई एम सुपर एक्साइटेड। यस, एक्चुअली मैंने जितने भी चिट्स में रेस्टोरेंट्स डाले हैं वो सारे वेजिटेरियन हैं बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। तो हम चायोस से अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने जा रहे हैं गाइस। तो लेट्स पिक वन कार्ड नंबर थ्री। इज अवर फर्स्ट चॉइस नंबर थ्री। तो अब हम गूगल पे देखते हैं। यहाँ पे हमने डाला चायोस फूड और इमेजेस सर्च किए। होप इट्स क्लियर फॉर यू गाइस। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमारा थर्ड ऑप्शन है पोहा। वाओ, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर पोहा। यस गाइस, पोहा इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम और चायोस से हमने ऑर्डर कर रहे हैं पोहा। तो ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर इज डन, लेट्स वेट फॉर डिलीवरी। गाइस, हमारी डिलीवरी आ गई है। एक्चुअली हम सारी डिलीवरीज ऐसे ही मंगवाते हैं और सच जीरो कॉन्टेक्ट डिलीवरी हो जाती है और पार्सल थोड़ा सेफ। चायोस डिलीवरी। गाइस, अब है टाइम ब्रेकफास्ट का और हमारी आया है चायोस का पोहा। तो हम इसको खाने जा रहे हैं। तो इसके अंदर आया है लेमन, स्क्वीज कर देते हैं। ओके, ग्रीन चटनी। मुझे ज्यादा चटनी पसंद नहीं है और हम थोड़ी सी इसमें नमकीन डाल देते हैं भुजिया, जिसके बिना वैसे ही पोहा अधूरा है। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। मिक्स इट वेरी वेल। तो फिर सो दिस पोहा इज रियली सो टेस्टी, सो फ्रेश। तो अब हम मिलते हैं अपने लंच टाइम में। गाइस, हो गया है हमारे लंच का टाइम और भूख भी बहुत तेज से लग रही है। तो चलो चूज करते हैं अपने लंच के लिए ऑप्शन। वाओ, सो आज मेरा शायद लकी डे है इसलिए लंच में निकला है सागर रत्ना। तो अब देखते हैं कुछ साउथ इंडियन खाते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं कि गूगल क्या डिसाइड करता है हमारे लंच में। तो अब हम जाएंगे इमेजेस पे और वन देख सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और एक है सेवन। तो हमारे सेवन नंबर की इमेजेस पे आज हमारे लिए है वाओ, और ये पिक्चर है डेली फंडूज की। दे आर माय फेवरेट ब्लॉगर्स, यू नो गाइस, लव यू संदीप एंड बेदे ब्रदर। होप आप ये वीडियो देख रहे होगे और आपकी इमेज मैं आज ट्राई करने वाली हूँ। तो है एक रवा डोसा प्लेन आई थिंक, एंड सेकंड वन इज मसाला डोसा आई थिंक इट्स। गाइस, हम अपने लंच में ऑर्डर करने जा रहे हैं प्लेन रवा डोसा और एक मसाला डोसा और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस ऑर्डर बिकॉज इट्स ordered by Google and image is clicked by my favorite bloggers Delhi Fundos and they are my good friends. Hope they are watching this video. Guys, here is my lunch from Sagar Ratna. So, ab hum isko try karte hain.
गाइस हियर इज माय मसाला डोसा, रवा डोसा और ये हमारा चटनी और सांभर का प्लेटर। तो पहले हम मसाला डोसा खाएंगे जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट डोसा है। तो सो यम्मी, अब सुबह हम खाते हैं रवा डोसा। हमारा लंच तो सॉर्ट आउट हो गया है और इसके बाद हम देखते हैं कि गूगल क्या डिसाइड करता है हमारे इवनिंग स्नैक्स के लिए। क्या लगता है इतना खाके इवनिंग स्नैक्स कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। हेलो गाइस, तो इवनिंग टाइम हो चुका है और इवनिंग स्नैक्स के लिए फिर से हम आ गए हैं देखने कि गूगल क्या डिसाइड करता है हमारे लिए। उससे पहले हम बुलाते हैं दिव्यम को जो हमारे लिए पिक करेगा इवनिंग के लिए चिट। तो कम दीवी गाइस, सो पिक वन स्लिप। ओके सो दिव्यम चूज मैकडी फॉर अस। सो नाउ टाइम टू चूज द कार। सो कार्ड्स के नंबर से हम डिसाइड करेंगे पिक्चर नंबर। तो दीवी चूज द कार्ड। ओके सो दीवी चूज नंबर 4। तो लेट्स चेक ऑन गूगल। तो यहां हम सर्च करते हैं गूगल मैकडी दिल्ली और जाते हैं इमेजेस पे। उसके बाद एक्चुअली ये ज्यादातर फूड आउटलेट दिखा रहा है तो हम दिल्ली फूड कर देते हैं। तो गाइस हमारा नंबर आया था 4, तो हम नंबर के हिसाब से 1, 2, 3 एंड 4। सो आज का हमारा मेन्यू है इवनिंग मेन्यू। आई थिंक इट्स वेज महाराजा बर्गर। तो गाइस हमारा ऑर्डर हमने पास कर दिया है जोमेटो के थ्रू। लेट्स सी कितनी देर में आता है और जैसे ही ऑर्डर आएगा तो हम अपना इवनिंग स्नैक एंजॉय करेंगे। और आज तो दिव्यम की लॉटरी लग गई क्योंकि दिव्यम को मिलेगा हैप्पी मील का टॉय। यस, तो आप में से कौन कौन लोगों को हैप्पी मील इसलिए पसंद है कि उसमें टॉय होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ जो बेल बटन है उसको मंदिर का घंटा समझ के जरूर बजा देना। और इस दिव्यम को देखो, ये है सुपर एक्साइटेड फॉर टॉय। दिव्यू आर यू एक्साइटेड फॉर टॉय? मैं हमेशा टॉय को गुम कर देती हूँ। अच्छा तो क्यों गुम करते हो ना? ऐसे टॉयज को गुम नहीं करते ना फ्रेंड्स। अब आप अपने टॉयज को गुम करते हो? नहीं ना। तो दिव्यम आपको अपने टॉयज गुम नहीं करने चाहिए। मैं दूसरे टॉय को गुम नहीं करूंगा। ओके तो अभी आप उसको संभाल के रखोगे? Yes! ओके चलो गाइज मिलते हैं, वेट करते हैं हम अपनी जोमेटो डिलीवरी का। और तो गाइज हमारा आ गया है मैकडी का मील। तो लेट्स अनबॉक्स दिस। तो इसमें हमारा यही है कोल्ड ड्रिंक, हमारा मील, तुम्हारा हमारा जबरदस्ती से यू नो गाइस इट्स रियली ह्यूज बर्गर। गाइस सी दिस इज रियली ह्यूज बर्गर। और ये मैं बहुत पहली बार मैं महाराजा बर्गर ट्राई कर रही हूँ। मैंने अभी तक आज तक महाराजा बर्गर नहीं खाया, बाकी सब बर्गर खाए। कि नॉर्मली मेरा फेवरेट जो बर्गर है वो मैक वेजी है या फिर पनीर बर्गर है। मैंने महाराजा बर्गर कभी नहीं ट्राई किया तो वेरी फर्स्ट टाइम। और मैकडी के फ्रेंच फ्राइज तो सभी को पसंद है। सो चीयर्स गाइस। बिना कोल्ड ड्रिंकिंग आप बर्गर तो बिल्कुल नहीं खा सकते। सो टेम्प्टिंग। इस बर्गर में किसको तो खाने ही बहुत रिस्की लग रहा है। तो दिस टू ह्यूज।
तो गाइस आपसे मिलते हैं डिनर में, क्योंकि ये काफी मेसी होने वाला है, तो तो गाइस अब आ गया है टाइम डिनर का और लास्ट मील का, तो हम चूज करते हैं अपना लास्ट चांस कि डिनर में क्या खाया जाए। तो इस बार चिट मैंने पिक की है और चिट में आया है बिरयानी बाय किलो। तो यू नो माय हस्बैंड लव्स बिरयानी और आज तो सबकी लॉटरी निकल गई। लंच में साउथ इंडियन जो मेरा फेवरेट है, इवनिंग में मैकडी जो दिव्यम का फेवरेट है, और डिनर में बिरयानी। तो लेट्स सी कि नंबर भी क्या पिक करते हैं, चूज करेंगे एक नंबर। तो गाइस आपको दिख रहा है कि मैं क्या नंबर चूज करने वाली हूँ, तो इट्स नंबर इज टू। तो गाइस नंबर टू आया है हमारा, तो अभी हम देख लेते हैं हमारे डिनर में भी क्या आने वाला है। भाई किलो खाली हम सर्च करते हैं तो नॉन वेज ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इसके साथ वेज लिख दिया है। तो यहाँ पे अब हमारे पे जो ऑप्शंस आई हैं उसमें सेकंड नंबर पे ये है, आई थिंक इट्स अ पनीर बिरयानी विद सालन, तो हम इसको ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं पनीर बिरयानी विद सालन, और इसके साथ कोई भी ड्रिंक नहीं है गाइस, सो पैथेटिक। मतलब बिरयानी विदाउट ड्रिंक, मतलब ना ही रायता है ना ही ड्रिंक है, इसके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं है। एक ये भी अनियंस वगैरह है जो कि एक सालन ऑर्डर कर सकती हूँ, सालन बहुत स्पाइसी होता है और बहुत टफ होगा। तो लेट्स सी कि हमको क्या मिलता है। तो गाइस हमारा डिनर आ गया है जो कि है बिरयानी बाय किलो बिरयानी। It's really good, but सालन के साथ मुझे बिरयानी बहुत कम पसंद है, मुझे रायते के साथ ही अच्छी लगती है। लेकिन आज हमारे पास रायते का ऑप्शन नहीं है क्योंकि पिक्चर में रायता नहीं था, तो वी कांट ईट रायता। द मेन प्रॉब्लम इज कि उसके साथ कोई ड्रिंक भी नहीं थी, तो आज हमको ये सूखी सूखी बिरयानी खानी पड़ेगी और काफी स्पाइसी है मेरे लिए, जबकि मैंने बिल्कुल लेस स्पाइसी रखी थी, स्टिल स्पाइसी फॉर मी। यू कैन सी द चंक्स ऑफ पनीर। तो गाइस आपको ये चैलेंज कैसा लगा, जहां पे हमने गूगल के थ्रू अपने आज का पूरे दिन का मील सर्च किया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं फिर एक और नई चैलेंज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।